गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच इज रिटन ऑन व्हाइट बोर्ड। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द बेकिंग सोडा, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3 एंड इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सोडियम बाइकार्बोनेट। And the second one is the washing soda, its chemical formula is Na2CO3 and its chemical name is sodium carbonate. And third one is the preparation of the bleaching powder, that means calcium oxychloride, its chemical formula is CaOCl2. And the last one, that means plaster of Paris, its chemical formula is CaSO4.H2O. When it reacts with the 1 by 2 H2O, it gives CaSO4, that is 2 H2O. It is also called as the gypsum. Understood? So in the previous video we already discussed about the caustic soda, how the caustic soda preparation, it means it will form the electrolysis of sodium chloride by evolving the hydrogen gas and chlorine gas. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेकिंग सोडा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेकिंग सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा में आपका जो रिएक्शन है, कैसे बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा बनने के लिए आपका जो सोडियम क्लोराइड है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद आपका अमोनिया है, उसके बाद मैंने कार्बन डाइऑक्साइड किया है। जब इतने सारे आपके रिएक्टिंग साइड में रिएक्ट करेगा, देन इट विल फॉर्म द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज नोन एज द बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड। मतलब आपके पास इस तरह का जो रिएक्शन है रिएक्टेंट को, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया प्लस ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन मतलब आपका NaCl, NaCl मतलब क्या, ब्राइन मतलब क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, तो आपको ये रिएक्शन आपको याद रखना है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या बेकिंग सोडा है, इसका कैसे मैन्युफैक्चरिंग बनता है, कैसे प्रिपरेशन होता है, आपको प्रीवियस मैन्युफैक्चर याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड है, दैट मींस NaCl प्लस H2O, यहाँ जो एडिशनल जो जुड़ रहा है CO2 जुड़ रहा है, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। जब ये रिएक्ट कर रहा है तो दो कंपाउंड बना रहा है, एक कंपाउंड का नाम है बेकिंग सोडा और दूसरे कंपाउंड का नाम है आपका अमोनियम क्लोराइड। ओके, बाकी तो उसके यूजेस आपने ऑलरेडी मेरे साथ देख रखा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कहाँ यूज होता है, इट इज यूज फॉर एंटा एसिड। एंटा एसिड मतलब क्या, आपका स्टमक के अंदर एसिडिटी होता है तो उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। इवन ये फूड आइटम में भी यूज होता है, फूड आइटम में आपका क्या, फूड को क्या, ब्लफी एंड स्पंजी बनाने के लिए भी यूज होता है। और तीसरा आपका सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, जैसे आपको एंट ने या आपको हनी बी ने अगर आपको बाइट किया है या उसका स्टिंग लग जाता है, तो उससे पेन रिलीफ होने के लिए भी आप यूज करते हैं बेकिंग सोडा, जो कि मैंने ऑलरेडी सेकेंड या थर्ड वीडियो में मैंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव टू डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3 एंड इट्स केमिकल नेम इज, क्या केमिकल नेम है इसका, सोडियम कार्बोनेट। और इस सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, बहुत ही टफ वर्क नहीं है, बहुत इजी सा वर्क है। जो मेरे पास जो बेकिंग सोडा है, अगर मैं इसको क्या करूंगा, डिकम्पोज, मतलब विद द हेल्प ऑफ हीट, जब मैं इसको डिकम्पोज करूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अंडरस्टूड? बहुत इजी है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बोनेट सफिक्स है तो अगर आप उसको डिकम्पोज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। अंडरस्टूड? तो बहुत इजी है, इस रिएक्शन को आप मेमोराइज कर लीजिए, जो कि आपका यहाँ भी यूज होगा और इसका यूज हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपको एग्जांपल देना होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तो आप वहाँ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको मैंने अब तक दो रिएक्शन बताए हैं, दो रिएक्शन में आप देखिए, दूसरा अगर ये सोडियम कार्बोनेट NH2O के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 प्लस डॉट NH2, दैट मीन्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिए। थर्ड प्रिपरेशन है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से क्लोरीन गैस को पास आउट किया जाएगा तो मेरे पास निकल के आता है ब्लीचिंग पाउडर।
that is known as the calcium oxychloride plus water. Okay, next, last one, that is preparation of plaster of Paris. Plaster of Paris means calcium sulfate, dot half H2O से 1.5 H2O से react करेगा, तो क्या बन जाएगा आपका जिप्सम. आपने देखा होगा जो POP है आपका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, आपका स्टैचू में यूज करता है, इवन जो आपका जो बोन वाला जो डॉक्टर है अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए भी करता है. और ये कैल्शियम का जो पाउडर होता है अगर आप इसके साथ वाटर को मिक्स करेंगे तो कुछ देर के बाद ये काफ़ी हार्ड हो जाता है. तो सबसे जो हार्ड मटेरियल है वो आपका जिप्सम है और सॉफ्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस. अंडरस्टूड. आज जो डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस निकलते हैं आपके. 5 नंबर के क्वेश्चन निकलता है, आपसे पूछा जाता है सोडियम क्लोराइड H2O अमोनिया CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो X एंड Y कौन से कंपाउंड निकलते हैं. तो X जो है आपका बेकिंग सोडा, डेट मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और Y आपका है अमोनियम क्लोराइड. अंडरस्टूड. यूजेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का आपको यूजेस मालूम होना चाहिए. वॉशिंग सोडा का आपका क्लीनिंग एजेंट के लिए मोस्टली ये काम किया जाता है. और रिएक्शन इसका कैसे है, इसको जब हम लोग बेकिंग सोडा को डिकम्पोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट तो ये आपके पास बेकिंग सोडा निकल के आए वॉशिंग सोडा निकल के आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज करेगा, वाटर निकालेगा. और इसी को जब 10H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट होगा. ब्लीचिंग पाउडर का कहानी क्या है, केमिकल फॉर्मूला CaO(Cl2) है जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं. और जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर होगा. और ब्लीचिंग पाउडर को मोस्टली आपका क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं, टेक्सटाइल्स में हो गया बहुत जगह यूज करते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या, कैल्शियम सल्फेट और डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O को रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O होगा. तो मैं होप करता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए और इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिए. और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में निकल के आते हैं तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ. और क्वेश्चन का प्रैक्टिस जब मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है. ऐसा नहीं कि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको मैं बस पढ़ा रहा हूँ. जब ये आप समझ जाएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कराऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा. आज के लिए थैंक यू.